मैच जीतने के बाद हर कोई तो हैप्पी होता ही है। साथ में हम लोग का इस साल जैसे चल रहा है, होम से अच्छा रिकॉर्ड हम लोग का बाहर है। इस साल हम लोग हाँ एक आध मैच छोड़ के शायद ओवरऑल एज ए टीम अच्छा ही कर रहे हैं हम लोग। जैसे बोल सकते हो कि दो तीन मैच सबको पता है कि कैसा हुआ है। स्पेशली लास्ट मैच हम लोग बैटिंग यूनिट क्लिक नहीं किया, तो उसके बाद हम लोग ने जो बात किए थे एज ए टीम, तो वो हम लोग ने ये मैच में होने नहीं दिया। और साथ में बॉलर्स तो आउटस्टैंडिंग है ही, जो कंसिस्टेंटली हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में एक आध बॉलर नहीं सबको ही मिल के, और इसीलिए शायद पर्पल कैप इधर उधर चल रहा है अपने टीम में। लास्ट मैच में हुआ था कि हम लोग में भी अच्छा स्टार्ट दे नहीं पाए थे लास्ट मैच में, तो इस मैच में वही कोशिश था कि अगर पहले पावर प्ले में अच्छे जाते तो उसके बाद इजी हो जाए, क्योंकि रन भी ज़्यादा नहीं था, 120 के आसपास ही था। तो बाद में हार्दिका के जो इनिंग खेला, जो मैं उधर से देख रहा था, सिर्फ इधर उधर चल रहा था, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेला, और मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था, तो मैं उसको रोटेट कर रहा था उस टाइम बस। अभी हम लोगों के साथ एलर्जी का मैच है, दिन वाला मैच है, तो इधर एक दिन बाद ही है, तो रिकवरी में थोड़ा ध्यान देना है, और साथ में जाके हाँ नया मैच, नया इंटेंसिटी और सब कुछ नया है, एफर्ट भी लगाना होगा। तो हाँ दो पेन के लिए तो जाना ही है। जैसे हम लोग बेसिक देखते पहले बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, आज फील्डिंग भी आउटस्टैंडिंग हुआ है, अभिनव ने अच्छा दो स्टॉप किया, रन आउट किया डायरेक्ट हिट, तो ऐसा सेम मोमेंटम हम लोग कैरी करने की कोशिश करेंगे।